दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से किसानों ने योगी जी को मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंप दिया है। और पिछले दिनों आप सभी को पता होगा कि किसान कर्ज माफी का मुद्दा देश में काफी जोरों शोरों से चला था, जिसमें पंजाब, राजस्थान, झारखंड राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसान कर्ज माफी का लाभ किसानों को क्यों नहीं दिया गया था, तो इससे संबंधित सरकार ने चुनाव से पहले किसी प्रकार के वादे नहीं किए थे। किसान ने सरकार ने ये कहा कि अब प्रदेश के तमाम किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, 2022 तक किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि योगी सरकार ने जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री सीट पर विराजमान होने के बाद सबसे पहले उस किसान कर्ज माफी का लाभ दिया गया, जिसमें सरकार ने तमाम किसानों के कर्ज माफ को लेकर दावे किए गए थे। और इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार सभी किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला 31 मार्च 2022 के बाद करने वाली है। अब आपको एक रिजल्ट के तौर पर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2017 में विधानसभा सीट की दावेदार बनी थी, उस सीट में सबसे ज्यादा योगदान किसान एवं श्रमिक परिवारों का था। उसमें साथ में युवा साथी भी थे, जो शिक्षित युवा साथी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन किसानों के स्टूडेंट एवं युवा परिवारों ने योगी जी को काफी सपोर्ट किया था। तो उस समय राज्य सरकार ने सभी किसानों के खातों में 1 लाख की कर्जा माफी दी थी। उस समय किसान काफी खुश थे, क्योंकि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी, उस समय किसानों को कर्ज माफी का बिल्कुल लाभ नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार एक बार फिर से यूपी के किसानों को 2017 की तरह कर्ज माफी का लाभ भेजने वाली है। अब इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले विधानसभा कर्ज माफी के रूप में ज्यादा देगी या कम देगी, लेकिन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार हम बात करें कि जिस प्रकार 2017 में मुख्यमंत्री जी ने किसान कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ के रूप में अलग से एक बजट किसानों के लिए दिया था, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने उन किसान कर्ज माफी के रूप में 90,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उससे एक आइडिया लगाया जाए तो प्रत्येक किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सकता है। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि दोस्तों, किसान कर्ज माफी का लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन आप जिस प्रकार वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं कि ये न्यूज बिल्कुल झूठी है, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई है, सच्चाई बिल्कुल नहीं है, तो इस प्रकार के कमेंट किसान भाइयों आप बिल्कुल बंद कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी का लाभ अवश्य मिलेगा, साथ में मजदूर परिवारों को भी बेनिफिट दिया जाएगा। 2022 में किसान, मजदूर एवं युवा साथी है, उनको ढेरों सारी नौकरियां दी जाएगी, अनेकों बेनिफिट आपको 2022 में मिलने वाले हैं, क्योंकि योगी सरकार को जिस प्रकार आपने पसंद किया है, आपने वोट किया है, तो इस पार्टी में काफी दमदार पार्टी है, इसमें काफी मजबूती है। ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक बार फिर से आपके राज्य का कार्यभार संभाल रही है, तो इसमें आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और रही बात उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी का, तो उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी का फैसला 31 मार्च के बाद जैसे ही राज्य सरकार नए सिरे से किसान कर्ज माफी या उत्तर प्रदेश किसान भविष्यों के लिए शुरू करेगी कोई कार्य, 31 मार्च के बाद ही सरकार नए सिरे पर राज्य का कार्यभार करेगी, तो उसमें आपको किसान कर्ज माफी का लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन 90,000 करोड़ रुपए सरकार ने जिस प्रकार किसान मजदूरों के लिए देने के लिए कहा है, तो उसमें किसानों के लिए कितना दिया जाएगा और मजदूरों के लिए कितना दिया जाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई नई जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से नया अपडेट किसान कर्ज माफी से संबंधित आएगा, तो उसकी जानकारी आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन ये जानकारी आपके पास तभी पहुंचेगी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है। और ये दोस्तों हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि आप जैसे ही लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, तो उससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता है और कुछ आमदनी भी हो जाती है, कुछ आमदनी भी होती है, उसमें आपका ही सहयोग है सब कुछ। आप चाहे तो हमारी इनकम एकदम जीरो कर सकते हैं और आप चाहे तो हीरो भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और कोई नई इंफॉर्मेशन जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत।